दर्जी मैं थोड़े नाल एक जरूरी गल करनी सी। राजवीर अजकल कितने ना बिजी रहना तू, तेरी सेहत भी अगे ना कमजोर लग रही मैनू। बस दर्जी नैन की हालत हूं मेरे तो वेखी नहीं जाती, हर वेले अपने आप नू कोसता रहना मैं, वो खुश होंदी है तो सब चंगा लगता है, नहीं तो सब खराब। कि मैं अंदर आ सकती हूँ? तेनू कदों अंदर आने की इजाजत की लोड़ पै गई, तू तो इस घर की नूह है। नहीं, नहीं, नहीं। हुण मैं इस घर की नूह नहीं, सिर्फ नौकरानी हाँ। तार माफ करियो वड्डे मालिक, घर के नौकरां नूं तां घर के अंदर आने लई इजाजत लैण की जरूरत पैंदी है। नैन पुत्र तू भी चाह पीती है? माफ करियो छोटे मालिक, छत मालिक ने कुछ खादा पीता ना होए, उस तो पहला घर के नौकर किवें कुछ खा पी सकते ने। नाले तुसी दिल छोटा ना करो छोटे मालिक। खबरदार, ये तो अपनी तुलना किसी दूसरे नौकर ना की थी। नहीं, जो सच है उन्हें बदलिया नहीं जा सकता, ते नाले मैनू मेरी नौकरी दे हिसाब दे नाल थानू बनदा मान तो देना ही पैना है ना। बस मैं उही कर रही सी। मैं तेरे लिए साहब जी नहीं दार जी हाँ। नहीं वड्डे मालिक, मैं बाकी नौकरा दे मन च कोई सवाल पैदा नहीं करना चाहती, मैं जो कर रही मैनू करन दो, थोड़े हाथ जोड़ दी, तेनू कुछ भी ऐसा वैसा करन ते मजबूर ना करो, छेदे नाल सब दे सवालां दी उंगली मेरे वल्ला उठे। नाले ऐदा करना ते वांस जी नूं भी चंगा नहीं लगेगा। आज तो मैं फैसला किया तू सिर्फ मेरी सेवा करेंगे, कार्य सिर्फ मेरा काम करेंगे, मेरी दवाइयां मेरी चीजां ये सारी जिम्मेवारी तेरी होगी, तू किसी और दा कोई काम नहीं करना होए। ए ठीक रहेगा, बस मैनू एक काम सौंप दो, रसोई दे विच खाना बनाने दा। रोटी बनाने दी क्यों? क्योंकि मैं इस घर च किसी ते भी विश्वास नहीं कर सकती, की पता कदे भी कोई भी दिवांशी दे खाने दे विच फिर दोबारा जहर मिला दे, इसलिए मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। बहन पुत्र असी ते तेनू इजाजत दे भी दईए, पर दिवांश खान पीन दे मामले च बहुत नखरे वाला है, ते मनु नहीं लगता वो तेरे हाथ दा बनिया खान लई राजी हो जाएगा। नैन तू फिक्र ना कर, असी दोनों सोच विचार के कोई हल लभदे आ ते तेनू दसदे आ। जी मैं तुहानू जिहड़े दिवांश दे डिवोर्स पेपर तैयार करन वास्ते कहे सी वो तुसी कर लिया है ना? हो अच्छा अच्छा, डिवोर्स पेपर तैयार हो गए ने, तुसी इस तरह करो वो पेपर ना तुसी घर ही भिजवा दो, मैनू पता है मैं उन्हां नाल की करना है। मामा जी ते मम्मी जी ना तेरे तो तलाक दे पेपरां ते साइन करवाण तो बाद ना तेनू इस घर तो बाहर सुट्टन दी गल कर रहे सी। किट्टी जी ठीक कह रहे सी, ते दारजी ने भी मैनू ऐसे ले। चलो ठीक है जी फिर। तेरी हिम्मत किदा हुई मेरी इजाजत तो बिना कमरे च आण दी? भूल ना तू एक नौकरानी है ते नौकरां नू हमेशा नौक करके ही कमरे च आना चाहिदा। गलती होगी मालकिन जी, मेनू माफ कर दो। गलती तो होई है फिर उन्हें सुधार ले। चल इस तरह कर, कमरे दे बाहर जा ते फिर दोबारा इजाजत लेके अंदर आ। मालकिन जी
जे थोड़ी इजाजत होवे तो मैं अंदर आ सकती हूँ। हाँ आ जा। तू सुन ही लिया होना कि तेरे ते दिवांश दे डिवोर्स पेपर तैयार हो गए। हजे तो सिर्फ डिवोर्स की गल हुई है, ता तेरा ये हाल है। जदो डिवोर्स होएगा फिर तेरा की हाल होएगा? मम्मा मैं दस की गल है। मम्मा मैं लग रहा है कि थोनू मेरे व्याह की गल छेती अगे वधानी चाहिए, ताही मैनू इस कुड़ी तो छुटकारा मिलेगा। हुण इत्थों पिछा छुड़ाउण दा यही हल है, क्योंकि मैं इस घर च किसी ते भी विश्वास नहीं कर सकती। की पता कदे भी कोई भी दिवांशी दे खाने दे विच फिर दोबारा जहर मिला दे। राजवीर मैनू समझ नहीं आ रही ये नैनू किचन च रोटी बनाने की ड्यूटी किस तरह दवावां। रीटा ने इस गल वास्ते कदी तैयार नहीं होना। मैनू नहीं लगता दिवांश कदी उहदे हाथ की रोटी खावेगा। इहदा हल लभण नालों चंगा कि असीं दिवांश लई दूजी वोटी लभीए। ए तू की कह रहे हैं, नाल क्यों कह रहे हैं? मेरे दिमाग च एक आइडिया आया, असी दिवांश लई एक एहो जी कुड़ी लेके आवांगे जिन्नू एक्टिंग आंदी होए, ते जिहड़ी व्याह तो बाद दिवांश दी पत्नी होण दी सिर्फ एक्टिंग करे, पत्नी बने नहीं। लग तां रही आ पुत्तर, एक बार गलती कर चुके हां, हुण दोबारा तां किसे नूं सड़क तो चुक के लै नहीं आवांगे। मैं अपने परफेक्ट पुत्तर लई बिल्कुल परफेक्ट जी कुड़ी लभ के लियावांगी। तू मैनू अपनी चॉइस दसी सी ना, सोहनी समझदार पढ़ी लिखी ते मॉडर्न ख्यालां दी कुड़ी जिदे नाल तू पार्टीज कर सके, जिदे नाल तू अपने दिल दी गल कर सके। बिल्कुल ओहो जी कुड़ी लभ के लियावांगी मैं तेरे लई, ना कि कोई भैण जी। ओहो मम्मा इदां कर दियां प्राइवेट गल्लां नौकरानियां दे सामने नहीं करदे। मैनू किदा दी वाइफ चाहीदी है, घर दी नौकरानी जान के की करेगी? एवें किते नजर ना लवा लियो। तुसी फिकर ना करो देवांश जी, थोड़ी होने वाली पत्नी नू इस नौकरानी दी नजर कदे नहीं लगेगी। मैनू तां सगो आप थोड़े व्याह दा बहुत चाह है, किन्नी देर बाद इस घर दे विच दोबारा रौनकां लगनगी, ते नाले जिवें मैं थोड़े सब दी सेवा करदी आई उसे तरीके नाल मैं अपनी नवी मालकिन दी भी करांगी। मैं चलदी हां मालकिन जी, कोई होर काम होया तां वास्ते दी। मेरे सामने ना ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना कर। मैं तेरी चालबाजियां चंगी तरह समझदा, तू ऐसा बोल के मेनू गिल्ट फील कराना चाहनी है ना, ताकि तू आप महान बन सके। छोटा मुंह ते वड्डी गल नहीं करांगी देवांश जी, मैं तो हमेशा ही थोड़ा भला मंगे, पर तुसी कदी समझ नहीं सके। देख रहे इहदा ढीठपुणा ते बदतमीजी, जदों दा इस कुड़ी ने झाड़ू फड़िया ना इहदी जुबान कैंची दी तरह चलन लग पई है। जे तेरे दिल विच इहदे लई जरा भी हमदर्दी है ना, तां इहदा इह रूप याद कर लवीं, सारे वहम मिट जाणगे। इक वार मेरे हाथ च तलाक ते कागज आण दे, इहनूं तां मैं फेर दसदी हां। मैं तां हमेशा ही तुहाडा भला मंगिया, पर तुसी कदी समझ नहीं सके। नैन ने दिवांश लई अपने सारे हक त्याग दित्ते ने, ते असीं कुछ नहीं कर सके।
हुण साडे कोल इक मौका है कि असी नैन लई कुछ चंगा सोच सकिए। सानू नैन दे लई चंगा सोचना पेगा, पर डार जी हुण सोचो ना, हुण बस सानू एक चंगी एक्ट्रेस लभ के लैके आनी है, ते उनूं जिन्ने पैसे बाहर मिलदे ने उस तो ज्यादा पैसे दे के अपने घर च एक्टिंग करवानी है। इहदे नाल नैन भी दिवांश की रक्षा कर सकेगी, ते रीटा दा भी तुझे नूं दा चा पूरा हो जाएगा। ते जदों सानू इह लगेगा कि दिवांश तो खतरा पूरी तरह टल गया है, असी ओह कुड़ी नूं वापस भेज देवांगे। इह तेरा आइडिया ते बहुत वधिया राजवीर, तू जिन्नी जल्दी हो सके दिवांश वास्ते सोहणी जी कुड़ी लब के लिया जिहड़ी झूठी बीवी होण दा नाटक कर सके। तू अपना काम कर, मैं अपना काम करदा। तू मैनू अपनी चॉइस दसी सी ना, सोहनी समझदार पढ़ी लिखी ते मॉडर्न ख्यालां दी कुड़ी, जिदे नाल तू पार्टीज कर सके, जिदे नाल तू अपने दिल दी गल कर सके। बिल्कुल ओहो जी कुड़ी लभ के लियावांगी मैं तेरे लई। आंटी जी मैनू माफ कर दियो, अज मैं पहली बार जान पूछ के दिवांश जी दे सामने अपनी वड्याई कीती है, ताकि दिवांश जी मेरे तो गुस्सा होके चेती तो चेती अपना दूसरा व्याह करा लें। आज मैं एक गल समझ चुकी हूँ कि मैं दिवांश जी दे लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ, ते मैं ये भी जान दिया कि दिवांश जी मैनू कदे नहीं अपनाएंगे। ये सब जानते हुए भी पता नहीं फिर भी क्यों मेरे हंजू रुक क्या नहीं रुक रहे। अजिहा की करा जिहड़ा नैन नू रसोई च कम करन दा मौका मिल जाए। कौन है? इत्थे रसोई च इन्ना गंद पिया है ते तू कन्ना च हेडफोन ला के गाने ते नचदी पई। ओ वड्डे मालिक, ओ दा नैन दे काम ने। नैन नू तू रसोई जाण तो आप मना कीता ना, हुण घटो घट ओदा काम ते तू कर। मैनू लगदा मैनू आप ही सारी सफाई करनी पैनी है। तू इंज कर अपने कमरे च जाके ना नाच कर। लगदा है ए बुढ़ा पागल हो गया है। ओ तैनू सुनिया नहीं मैं की कहा, कमरे च जाके नाच कर। किथे सी तू? जी ओ मैं। ओ मैं की? जद वेखो टाइम पास करदी रहदी है। आ वेख ड्राइंग रूम च किन्ना खलारा पया है। हुने वड्डे मालिक आके बाहर बैठेंगे, ओना सामने ये खलारा चंगा लगदा है? मैं हुने साफ कर देनी। ओ ता तू हुन करेंगे ही, नाले तू चाह पानी देकर आन च इन्ना टाइम क्यों लाता? देख हुन मैं चली सोन, ए तू सारा काम खत्म करके ना मैनू रिपोर्ट करी, नाले रसोई च ना जाई, ओथे वड्डे मालिक ने सफाई कर दे पे ने। दारजी रसोई क्यों साफ कर रहे ने? जी वड्डे मालिक, ऐ तुसी की कर रहे हो? कुछ नहीं पुत्र, मैनु हाथ दिखाओ। मिर्चा? पर क्यों? नैन पुत्र मैं खाने च मिर्चा पा रहे हैं, तिखा कर रहे हैं, ताकि सारे घर दे नु पता लग जाए डॉली नु खाना बनाना नहीं आता। ते ए वेख के रीटा रसोई दी जिम्मेवारी तेनू दे देगी,
फिर तू दिवाज दे खाने ते चंगी तरह नजर रख सकेगी। पर यह तो गलत है ना, थानू पता है इंज करन दे नाल टॉली दी नौकरी भी जा सकती है। और तू एदी फिकर ना कर, जे रीटा उनू कढ देगी ना मैं उनू दूसरी नौकरी दे देंगा। ए सब कुछ अपन दिवाज दी भलाई लई कर रहे ना, कि और कोई है तेरे को सोल्यूशन, कोई हल है तेरे को? फिकर ना कर, जो उनदा चलन ते हुण। मेरा रसोई च रह के दिवास चले खाना पुराना बहुत जरूरी है। मैं मंदी पर अता किसी नु फसा के नहीं, समझ नहीं आ रही की करा। तो किचन च मेरी इजाजत तो बिना किवे आई? मलकिन जी ओ, मैं की ओ की मेरी गल तो सुनो। चल मैं कह रही हूँ निकल बाहर। बड़ी मलकिन चल गल तो सुनो, निकल बाहर। चल निकल बाहर। डॉली रसोई च नहीं सी। नाले खाना बनाने का काम डॉली दा ना, तू रसोई च कली की कर रही सी? मैनू लगा थानू किसी ने कुछ चाहिदा होएगा। मैं तुसी दस दो जो चाहिदा मैं बना दन्नी आ। मेरे ते ना इन्ना एहसान कर कि तू मेरे लिए कुछ ना कर। नाले तू सोच भी किद्दा लिया कि मैं तेरे हत्था दा बनया कुछ खावांगा? ओ भरावा तुसी आपदा आपे नहीं जिठो, मैनू बहुत भुख लगी है, इसलिए जो पहला दा बनया ना मैं तो उही खा लूंगा। वाह रुक जा ना, कुछ कोई लोड़ नहीं है सब खान दी, पता नहीं कदों दा इत्थे इदां ही बिना टक्के पिया। नाल नयन दे इलावा इत्थे कोई सिगा भी नहीं। पर दिवांश जी मैं ही खाना बिना टक्के नहीं रखिया, मैं तां आप होने। कोई इस खाने नूं मुंह नहीं लाएगा, इहदा की भरोसा? पता नहीं की मिला दित्ता होए उन्हें। उस कुड़ी ते बिल्कुल विश्वास नहीं, एक कुछ भी कर सकती है, खाना बिल्कुल सेफ नहीं है, कोई नहीं खाएगा। क्यों दिवांश जी क्यों? मैं हुण तक थोड़े मन च सरा जा भी विश्वास नहीं पैदा कर सकी। क्यों थोड़ी जान इतनी बार बचान तो बाद भी तुसी समझ नहीं सके? दिवांश पुत्र तू ठीक कह रहे हैं, ए नयन कुछ भी कर सकती है, एदे नाल तां मैं बाद च गल करांगी, पहला उस डॉली दी खबर लैनी आ। डॉली 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 पता नहीं कित्थे पैर फसार के सुत्ती पई होनी है। ओहो हुण कौन मरिया जा रहा है? मेरा फोन कित्थे आ? हेलो कौन है? कित्थे तू? ओ मैडम जी मैं था अपने क्वार्टर च आ। तैनू मैं क्वार्टर च रहन ते सोन दे पैसे दिनी आ, जल्दी मेरे सामने आ। जी आई। ओ तई उस नैन ने नया सब पता नहीं खड़ा कर दिता। जी मैडम जी। की जी ए नैन किचन च की कर रही है, कुछ खबर है तैनू? ओ मैं तां इनू होल दी सफाई करन लई भेजा सी, ए पता नहीं किधर रसोई च पहुंच गई।
क्यों गई तू रसोई च? तेनू अपने घर का पता तो है ना, तेनू मैं वापस उथे भेजांगी। मैं तेनू कहा सी कि नैन ते नजर रखी, फिर इथे की कर रही है? मैं तो चंगा पला अपना काम कर रही सी, ओदा दार जी मेनू आके रसोई च बाहर भेज दिता। दार जी इस तरह क्यों करनगे? उन्हां ने गंगा जल छिड़कना सी ना किचन च। चैना ने खाना चख लिया तो तार जी फस जाएंगे। हे माता रानी, हुन मैं की करा?